की तरह यूज़ होता है। तो सबसे पहले पैंडेमिक में एडजेक्टिव देख लेते हैं, वाइड स्प्रेड, जिसका मतलब होता है व्यापक, मतलब अनेक लोगों को कोई बीमारी या वायरस जो प्रभावित करता है व्यापक रूप से। प्रेवलेंट, इसका मतलब होता है प्रचलित, मतलब किसी वायरस जो पूरे देश में या पूरे विश्व में फैला हो या फैल रहा हो। पवेसिव, इसका मतलब होता है व्यापक रूप में किसी भी बीमारी फैलना, जिसका मतलब होता है व्याप्त या व्यापक। राइफ, इसका मतलब होता है फैली हुई, कोई भी वायरस हो, अभी कोरोना वायरस जैसे फैल गया है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका मतलब वही होता है, प्रचंड तरीके से फैल गया है, या कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, तो इसका मतलब यही होता है। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस पूरे WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। ये सारे के सारे वर्ड निगेटिव सेंस में है। अब पैंडेमिक में नाउन में देखते हैं, डिसीज़, इसका मतलब होता है रोग या बीमारी। सिकनेस, इसका मतलब होता है रोग या बीमारी।